अस्सलामुअलैकुम याली मदद, मैं आपका दोस्त आसिम मलंग, पंजाब में अहमदपुर में। सुबह सुबह का टाइम है, सोचा आप लोगों से ही बात कर लूँ। बहुत ही खूबसूरत सुबह है, हर तरफ जो है वो फॉगी फोग है। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरे मुंह से भी धुआं निकल रहा है। पंजाब के कच्चे घर, पंजाब के बड़े दिल के लोग जो हमेशा मेहमान नमाजी में आगे ही रहते हैं। बहुत अच्छी सी सुबह है और मैं जो हूँ पंजाब से, एक हफ्ते से पंजाब आया हूँ। कल मैंने किला दिलावर किया, आज मैं वो शरीफ जा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि कितनी कवरेज को जो है वो मुझे टाइम लग जाएगा, क्योंकि और शरीफ का जितना भी पड़ा है बहुत ही बड़ी जगह है, बहुत ही मिस्ट्री और हिस्ट्री है। मैं आपको कहता हूँ कि पंजाब बहुत ही खूबसूरत जगह है, मेरा पहली दफ़ा विज़िट हुआ है। और इस टाइम जो है बड़ी अच्छी सुबह हो रही है और मैं चाय के नाश्ते के लिए खड़ा हूँ। भाई सुबह सुबह चाय पियो भाई, सर्दी का मौसम है, ये मौसम है और ये चाय है और फोग है और क्या बताऊँ। ये हमारे तारिक भाई हैं जो स्पेशल हमारा काम अपना छोड़ के मेरे साथ जो है खिदमत में लगे हुए और दो दिन से मेरे साथ हैं। बस यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम हुआ है। मिलेंगे आपसे और सुबह सुबह का जो है आपको चाय वेलकम और ये फोग वेलकम। बहुत मज़े की जगह है, आएँ आप अहमदपुर में और यहाँ पे कुछ टाइम ठहरें। इस वक्त मैं औलिया के शहर ओ शरीफ में हूँ और ओ शरीफ में जो मेरी पहली ज़्यारत है वो जलालुद्दीन सुर्खपोश है, बुखारी सैयद हैं, इनके दर पर आए और आज हम इनका जो है वो पूरा शजर नसब देखेंगे और इनके बारे में आपको बताने वाला हूँ मैं। ये वो हैं जिन्होंने यहाँ पर ओ शरीफ में बुनियाद डाली और यहाँ पर इस्लाम की बुनियाद डाली और यहाँ पे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के जब लोग बसते थे उनमें जो है वो बैठे बसे और अपना दीन फैलाया और किस तरह फैलाया, क्या क्या किया, अंदर चलते हैं और जानते हैं। आ रहे अस्सलामुअलैकुम याली मदद, मैं आपका दोस्त आसिम मलंग, फेसबुक का और इंस्टाग्राम का। मैं आज ओ शरीफ पे हूँ। यहाँ पे बहुत सारे औलिया आए और जिन्होंने तारीख में बहुत कुछ अपना बनाया नाम। मैं जब इनकी हिस्ट्री पढ़ने शुरू हो गया तो मैं इनमें खो ही गया। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने आके वो काम किया जो उस ज़माने में सबसे ज़्यादा तकलीफ दिया था। औलिया जो है वो यहाँ पे जो है इस्लाम लेके आए और उन्होंने यहाँ पे हिंदू महाराजा और बहुत सारी चीज़ों को सही किया, लोगों का बैठना उठना, तमीज़ और इस्लाम की हर वो चीज़ समझाई जो आज यहाँ पे इस्लाम हमें मिला हुआ है। औलिया सारे वही आए जिनके पास इल्म था और वो इतना सफ़र करके यहाँ से मदीना से इनका सफ़र शुरू हुआ और ये ओ शरीफ तक आए, फिर ये मुल्तान गए और यहाँ से आते आते यहाँ पे फैलने शुरू हो गए। इस्लाम जो है वो किस तरीके से मेहनत से अपनी जगह पे आया, आज हम जो है सलाम करते हैं इन औलियों को जिन्होंने तारीख में अपना नाम दिया और इस्लाम में अपना नाम दिया। और मैं इनकी ज़्यारतों में जो है इतना मगन हो गया। औलिया कराम जो है वो पंजाब में बहुत फैले हुए हैं और इनके बारे में जो है डिटेल जो है आप मेरे जर्नी ऑफ फेथ यूट्यूब के चैनल पे जो है इनकी डिटेल और वीडियोस देख सकते हैं। Hmm.
सैयद जलालुद्दीन सरपोश रहमतुल्लाह अलैह जो है बुखारा से ताल्लुक़ रखते थे और बुखारा में ही जो है वो पैदा हुए तकरीबन 590 हिजरी में और तकरीबन 1190 ईस्वी में जो है ये यहाँ पे पैदा हुए और बुखारा में पैदा हुए और वहीं पे बेसिक तालीम अपने वालिद से हासिल की और इनके चचा थे उनसे हासिल की और वहाँ से तालीम हासिल करने के बाद इन्होंने जो है वो रुख जो किया वो ओज शरीफ का किया। उस ज़माने में ओज शरीफ का नाम लोग नहीं जानते थे, पुराना जो नाम था ओज शरीफ का। जब ये बड़े हुए और इन्होंने वहाँ शादी की और इनसे जो है वो दो बेटे पैदा हुए, एक का नाम सदुद्दीन था और दूसरे का नाम बहा हलीम था। यहाँ पे जो है वो बाबा साहब के जो है वो पूरा तकरीबन ख़ानदान जो है मौजूद है, क्योंकि इन्होंने तकरीबन 5 शादियाँ की हैं और उन 5 शादियों में जो बच्चे रहे वो यहाँ पे भी सिलसिला उनका जारी है और उन्हीं के दूसरे बेटे भी यहाँ पर हैं, बाहु हलीम भी हैं और इन्हीं की नस्ल में आगे और बहुत से वली भी आए और उन्होंने भी ओज शरीफ में जो है वो अपने नाम का सिक्का जमाया और बुखारियों का वो रकम तारीख रकम की जिससे आज की दुनिया जो है वो फैज़ हो रही है और इस वक्त जो है हम सुर्खपोश सरकार की तुर्बत पर आ गए हैं। ये उनकी तुर्बत है जो बहुत खूबसूरत पुराने स्टाइल में जो है वो बनाई गई है, लकड़ी का काम हुआ है यहाँ पर और खूबसूरत ज़्यारत बनाई हुई है सरकार की। ये वो बुखारी सैयद हैं जो बुखारा में पैदा हुए और इमाम नकी की जो है वो 10वें इमाम की नस्ल में से हैं। नकी जो है इनकी कुछ औलाद जो है वो बुखारा में जाके सेटल्ड हुई, क्योंकि उस वक्त
बहुत सारे जुल्म हो रहा था। अब्बासी जो हुक्मरान थे उन्होंने सादात के लिए जो है घेरा तंग कर दिया था और उन्हें मुख्तलिफ तरह की अजियत देते थे। तो उस वक्त जो है वो इमाम की बहुत सी औलाद जो है बुखारा की तरफ गई और वहाँ अपनी ज़िंदगी के इब्तदा की, और वहाँ जो उनके शुरू के बुज़ुर्ग थे उन्होंने तो अपने साथ सैयद नहीं लगाया, मगर बाद में जब हालात बेहतर हुए तो वहाँ से जो भी सादात निकले बुखारा से वो बुखारी सैयद कहलाए, और उन्होंने अपने नाम के साथ बुखारा ज़रूर जोड़ा ताकि पता लगे कि ये बुखारी सैयद है और इनका ताल्लुक इमाम नकी की औलाद में से है। और ना सिर्फ बुखारा से सुरपोश सरकार आए बल्कि और भी बहुत औलिया अल्लाह वहाँ से निकले, और इन्होंने अपने इल्म से, अपनी खिदमत से और अपने बुज़ुर्गी से जो है वो लोगों के दिल जीते, ना सिर्फ दिल जीते बल्कि यहाँ पे वो करामात भी दिखाई इन्होंने जो एक सादात की निशानी है और एक सादात का जलवा भी है। इसीलिए इन्हें जलाली बुज़ुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जलाल में आकर बहुत से जो है वो मौजे भी किए। वो मौजे हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ वो अपना इल्म फैलाया जो अपने जद से लेकर आए, और वो तरबियत अपने वालिदैन से हासिल की। इनके वालिद का नाम अली मुईद रहमतुल्लाह अलैह था, जो ख़ुद एक बहुत बड़े सूफ़ी थे, दरवेश थे, और यही दरवेशी जो है वो जलालुद्दीन सुरपोश सरकार ने जो है वो हासिल की और अख्तियार की, और अपने वालिद से जो इल्म लिया उस इल्म की बुनियाद पर यहाँ तक पहुँचे और ओ शरीफ को जो है वो अपना गढ़ यानी कि घर बनाया, और इस घर ऐसा बनाया कि यहाँ पे जितने भी कुफर के कलमा गो थे वो यहाँ से दूर हो गए, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो दूसरे मजाहब के हों, वो सब जो है वो यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता या तो इस्लाम के दायरे में आ गए या फिर वो यहाँ से चले गए। और ये ओ शरीफ जो है वो बहुत पुरानी हिस्ट्री है इसकी, और ओ शरीफ के जो बुज़ुर्ग हैं नाम ही जो पहचान है वो जलालुद्दीन सुरपोश के नाम से है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी इनकी बहुत सारी जो है वो नस्ल जो अभी भी चल रही है वो आबाद है और इसी कार्य खैर में जो है वो खिदमत अंजाम दे रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सैयद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, करम है। कुछ अपने जद के बारे में बताएंगे? जी सर, हज़रत सैयद जलालुद्दीन हैदर सुरपोश बुखारी सरकार 10वें इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की लड़ी से नकवी सैयदादे हैं। आप सरकार बुखारा शहर से आए हैं इसलिए आपको बुखारी का लकब दिया गया है। जो सरकार सैयद जलालुद्दीन 595 हिजरी में पैदा हुए, 641 हिजरी में ओ शरीफ आपकी आमद हुई। यहाँ पर एक कुआं था जो राम राम का विर्द करता था। आप सरकार जब कुएं पे आए देखा तो कुआं राम राम की आवाज़ आ रही है, तो आप सरकार ने कलमाए मुहम्मदी पढ़ के सरकार ने फूंक मारी, कुएं से कलमा जारी हो गया। वो कुआं अब भी मौजूद है सरकार के दरबार के बैक साइड नीचे वाली साइड में। वालेकुम सलाम।
मैं इस टाइम इनकी चिल्लागाह पे हूँ और अक्सर जो है पुराने ज़माने में चिल्लागाह होती थी। चिल्लागाह का मकसद ये है कि आपको कोई भी तंग नहीं करने वाला, आप रियासत में जो है कहीं दिन तक जो है वो रहते थे। पुराने ज़माने के सारे लोग ऐसे ही होते थे। इस वक्त हम सुर्ख पोश सरकार के जो है नमाज की जगह पर हैं और यहाँ पर वो नमाज़ पढ़ा करते थे। बाद में यहाँ पर जो है वो मस्जिद बना दी गई और ये मस्जिद भी जो है वो बहुत कदीमी है, क्योंकि ये सिलसिला बहुत तकरीबन 800 साल पहले का है और अब दोबारा से यहाँ पे जो है वो रेनोवेशन हो रही है। और इस रेनोवेशन मैं वैसे ही स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जैसे पहली बार बनाया गया था और उसी लकड़ी का और उसी तरह स्टाइल में ये सब चीज़ें की गई हैं। अभी जो है वो मैं आपको बाबा साहब की जो है वो चिल्ला गा के बताऊंगा कि जहाँ पे वो नमाज़ पढ़ते थे। ये बाबा की पुरानी चिल्ला गाहों में से एक चिल्ला गा है और यहाँ पर जो है वो इबादत और रियाजत में मशगूल रहते थे। जब दुनिया से लाताल्लुक़ होते थे तो यहीं पर जो है जब दुनिया से लाताल्लुक़ की का अख्तियार करते थे तो मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ चिल्ला गाहों में बैठ कर जो है वो इबादत और रियाजत करते थे। खुदा और अपने जद के लिए जो है यहाँ बैठा करते थे और अपने उन जद से ताल्लुक़ बनाया करते थे जो जिनके फैज़ यहाँ पर ये पहुँचे और इस मंजिल तक पहुँचे। और अपने जद जो इनके वालिद साहब थे उनसे भी बहुत इनकी उनसियत थी और उन्हें अक्सर याद करके यहाँ गमगीन भी हुआ करते थे। और जब अपने आप को समझते थे कि अब वो इस लॉ लगा चुके हैं तो फिर वो दुनिया में यानी कि आम दरबार अपना खोलते थे और वहाँ पर लोगों को फैज़ बांटते थे। उनकी जो मुश्किलात थी, जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी होती थी वो भी फराम करते थे, उनके लिए दुआ के लिए हाथ भी उठाया करते थे। और उसी के साथ साथ खाने का लंगर का निज़ाम भी यहाँ था और बाबा साहब जो हैं यहाँ पर एक असर रसूख रखते थे इस इलाके में, क्योंकि उस वक्त के ओज के सबसे जो है वो औलिया अल्लाह में इनका नाम आता था और इनकी पहचान उस वक्त जो है थी ना सिर्फ मुसलमानों में बल्कि गैर मुस्लिमों में भी थी। हिंदू राजा भी इनको मानते थे और इनकी इज्जत और खिदमत में लगे रहते थे जब ये उनकी तरफ रुख करते थे। नीचे से गुजरी है सरकार ने सही फरमा ये फारसी दे विच प्लेट लावा ने आप दूसरी इधर अंदर है सुभान अल्लाह अल्लाह का रखो रहा है मंजूर कर बना दे वड़ा दार खुदा दा अल्लाह दा घर रूम में बना दे अभी हम आपकी फ़कीर ज़फ़र हुसैन साहब से बात कराते हैं, ये इस मिंबर के बारे में बताएंगे। ये मिंबर है पुराना सरकार तकरीबन 200 साल पुराना, जिनमें हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद सी कोट मिठर वाले सरैकी और बाबा बुल्ले शाह कसूर वाले बैठ कर खुतबा अता फरमाया। आपने जुम्मतुल मुबारक अता किया, इस मिंबर पे बैठ के बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया तुसी उच्चे तुहाडी जात उच्ची तुसी विच उच्चा दे रहंदे असी कसूरी साडी जात कसूरी असी विच कसूर दे रहंदे। इत्थे बरे सगीर पाक को हिंद दे जितना भी वली अल्लाह देन ई सार जमीन दो ते हाजरी दिती है, इत्थों फैज़ हासिल कीते ने। मरकज ए उच हजूर दे दौर तू एक कदीमी शहर है, सरकार उच जरा आबाद है हजूर दे दौर तू 1400 साल तू आबाद है सरकार। इत्थे कुफर दा गाड़ ही उच्चा रानी दा सलसला ते दोए गढ़ दी ओ बेटी है जिदे जादू दे जरिए खुआ चलदा है, हर रोटी दे विचों राम राम दी आवाज़ आउंदी है,
हत्ता के पानी जो बाऊं खूह का पानी निकलता है तो वेंदा ही वह भी राम राम करता है। जिस वक्त मेरे आका हजरत जलालुद्दीन हैदर सुर्ग पोश बुखारी डावें इमाम दा बचड़ा इमाम नक्की अलैहि सलाम दा ई सर जमीन ते कदम रखे ने ते खूहें ते करम निगाह किते ने खूह सीधा चलना शुरू थी गए पानी मीठा थी गए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दा जिक्र शुरू थी गए। हजूर दा इतना जलाल है जितनी यहूदिया सामने आमदी आई वह दीन इस्लाम कबूल करे दी। सही तुसी आप नबुवत दी दस्तार दे वारिस ने इमामत दी दस्तार दे वारिस ने दहवें इमाम दे बचड़े ने जिथे तुसी आए हो सरकार बुखारो आया सी इलाका बुखारे तू आए ने जी इन्हां दे और भी खानदान इत्थे हैगे ने सरकार औलाद है औलाद है बरे सगीर पाक को हिंद दे विच सरकार दी औलाद है हुण भी कोई मौजूद बिल्कुल मौजूद सजादा नशीन मखदूम हजरत सखी जमुर्द हुसैन बुखारी। सही बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ओज शरीफ जब भी आए यहाँ का ज़्यारत ज़रूर करें और करें और उसके साथ साथ इन औलिया अल्लाह को सलाम भी पेश करें ताकि आपको पता लगे कि ये बुखारी सिलसिला जो है वो इमाम तकी अलैहि सलाम की नस्ल से जारी हुआ और जो जारी हो सारी है। अस्सलाम वालेकुम।